Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Hello everyone, how are you all? I think you all are fine, fit and healthy. So, आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा। तो समोसा बनाने से पहले हम समोसे की शीट को रेडी कर लेंगे। जिस तरह आटा गूंथते हैं बिल्कुल हम उसी को रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ 4 कप मैदा ले लिया था अपनी फैमिली के हिसाब से, जितनी हमारी फैमिली है उसके हिसाब से। फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया है और अभी मैं अजवाइन को पीस रही हूँ, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आपने देखा होगा समोसों में अजवाइन होती है, कभी कितनी समोसों में ज़ीरा होता है। आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। ये रेसिपी भी मैंने लॉकडाउन की दिनों में सीखी थी, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा समोसे इस वक्त खाए जा रहे थे। फिर बीच में रमज़ानों की वजह से भी आपको पता है तारी बाहर बन रही होती है, हर जगह पे बन रही होती है। तो समोसा वैसे भी कोई गेस्ट भी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा स्नैक होता है, ईजी स्नैक होता है कि आप जल्दी से सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी था। मुझे पहले ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल होते होंगे, लेकिन जब मैंने इसको खुद ट्राई किया तो ये बहुत ज़्यादा ईजी था। तो आज मैं बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर कर लूँ। तो होप यू लाइक इट। और इस तरह से ये आटा देखे गूंद लिया गया है, बिल्कुल ना इतना पतला है ना इतना सख्त है। और फिर इसके हम ये देखे रोटी जैसे पेड़े कर लेंगे। फिर कर लेंगे हम आलूओं को बॉइल कर लेंगे और प्याज को हम चॉप कर लेंगे इस तरीके से। हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की है। इसके साथ साथ आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें साबुत धनिया डाल रही हूँ, नमक, साबुत लाल मिर्च और इसमें काली मिर्च को ऐड करूँगी। और ये आलू हो गए हमारे बॉयल, इनको ठंडा करके फिर हमने समोसे पट्टी में ऐड करेंगे। गरम गरम बिल्कुल ऐड नहीं करना। समोसे की फिलिंग के लिए मैंने तेल को कर लिया है गरम। अब इसमें प्याज को और हरी मिर्च को थोड़ा सा करेंगे हम फ्राई। बिल्कुल हमने इसको गोल्डन ब्राउन को नहीं होने देना। फिर हम इसमें मसालों को डालकर उनको थोड़ा भून लेंगे। और फिर हम इसमें जो आलू हमने बॉईल किए थे उनको मैश करके उनको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से जी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि आपको सारे स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ। और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशंस और वीडियोस, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पे। हम आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, स्किन केयर के रिलेटेड और कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग के रिलेटेड, अभी तो मैं आपको बेकिंग के भी बहुत सारी स्किल्स के बारे में बताऊँगी जो मैंने खुद भी सीखी थी और आपको भी मैं सिखाऊँगी यहाँ पर इस चैनल पर। तो मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें अगर जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है चैनल को, ताकि आपको वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे जी। तो आलू कर दिए हमने इसमें हम ऐड, उनको अच्छे तरीके से इस मसाले को हमने मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है एक तरह का हो जाए। और देखिए मैंने धनिया भी डाल दिया, सोच रही थी डाल ही देती हूँ, अच्छा लगता है कलर्स, और डाल दिया है मैंने जी। तो हम पेड़े की मदद से समोसे की शीट को रेडी कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से बेलेंगे जैसे रोटी को बेलते हैं। और फिर आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को कि मैं इसकी कटिंग को किस तरीके से करूँगी। जी तो अब हमने बेल ली है गोल सी रोटी, अच्छी सी प्यारी सी। और अब हम इसको बीच में से कर लेंगे हाफ। तो ये हमारे 2 समोसों की शीट निकल आएगी। तो ये मैं आपको कैमरा क्लोज करके भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये देखें इस तरीके से इनको हाफ हाफ कर लेंगे और फिर इनको हम इसकी इस तरह की शेप दे देंगे। और फिर इसको भी अभी हम बेलेंगे, ये ज़रा मैं साइड पे रख देती हूँ और फिर हम इसको और बेलेंगे ताकि इसकी थोड़ी और डी शेप आ जाए, थोड़ी अच्छी सी शेप आ जाए। सो, ये हमारी शेप आ चुकी है और हम इसको थोड़ा बराबर कर लेते हैं। फिर पानी की मदद से हम इस आटे को थोड़ा स्टिक कर लेंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त खुल ना जाए। और इसका प्यारा सा हम शेल बना लेंगे, प्यारा सा फ्लावर बना लेंगे
मैं आपको दिखाती हूँ, ये बनाने में मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है। आप लोग भी जब बनाएंगे तो आप जब इसको हाथ में पकड़ेंगे ना तो आप लोग खुद को भी ये फील होगा कि जी। तो हमने इसको स्टिक कर लिया है और फिर इसको हम ऐसे मुट्ठी बनाकर इसको फैला देंगे इस तरह हाथों पे। ये बहुत अच्छा लगता है, इस तरह ठंडा ठंडा आटा लग रहा था हाथों पे, बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हम इसमें फिलिंग कर लेंगे। जब हमने इसकी फिलिंग रेडी की है और यहाँ पे यार मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, उससे मैं बात कर रही थी, तो इस तरह से इसको हम फिल कर लेंगे। ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा से ये होता है इसकी, अगर फिलिंग आप ज़्यादा कर लोगे ना तो फिर ये ना आपकी जो रोटी का पेड़ा होगा ना वो ऐसे पट्टा पट्टा पतला हो जाएगा। तो आपने थोड़ी ही फिलिंग करनी है, ज़्यादा नहीं भरिएगा। और फिर हम इसको दोबारा से इस तरह स्टिक कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। और इसको फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि ये किस तरीके का बन जाएगा। जी तो काफ़ी समोसे रेडी हो चुके हैं। अब कर लेंगे हम तेल को गरम, और इसमें मैंने थोड़ा सा आटे को पहले से डाल के देख लिया था कि ये कहीं गरम हो चुका है या नहीं, तो ये हो चुके थे। देखें बबल आना शुरू हो गए हैं ऑयल में, इट्स मीन हमें बिल्कुल यही फ्लेम चाहिए था अपने समोसों के लिए। तो अपने बारी बारी समोसों को डाल देंगे ऐसे, और उनको लाइट ब्राउन, मतलब जो भी कलर आप देना चाहते हैं, डार्क ब्राउन करना चाहते हैं, लाइट ब्राउन, ऐसे गोल्ड ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो आप कर लें तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं समोसे। और साथ में मैंने चाय भी रख दी थी, सब रेडी कर रहे थे बस समोसों का ही। और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनका कलर हो गया है चेंज, और आप देख सकते हो कि कितने प्यारे लग रहे हैं, और खुशबू भी इतनी कोई अच्छी आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, और अपनी बनाई हुई चीज़ तो खुद भी इतनी अच्छी लगती है, ना सिर्फ अच्छी होती है बल्कि साफ़ सुथरी भी होती है। तो इसी के साथ मैं आपके साथ इजाज़त लेती हूँ, मैं इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखा दूँगी, साफ चटनी के साथ और केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।